वैसे तो लोग बहुत पाठ पूजा वाले बनते हैं, हम शिव जी जी के भक्त हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, पर लोगों के कर्म देखो कैसे हैं। सांप का छोटा सा बच्चा है और इसको जला के मारा है, बहुत सारी पिनिया इकट्ठी करके और इसको जो है पॉलिथिन में जला दिया। अब इधर जा रहे थे हम शेल्टर के बाहर, गला सा बच्चा है तुम्हारा, तो वो लेकर आया और वो बता रहा। फिर बोलते हैं हमारे गर्लफ्रेंड किस कर्मों की सजा मिल रही है, मतलब इतने वैश्य हो गए हो तुम लोग हैं कि सांप भी नहीं अब बख्श रहे हो, मारोगे मार के जला दोगे, इतने इतने वो मतलब वैश्य बना हो गया लोग। कहीं फेंक गया थी दाब। चलो तुम, खैर जो इंसान मार सकता है वो इंसान कुछ भी कर सकता है। अगर किसी से गलती से मरा होता ना ये, तो उन्होंने उनको प्रॉपर तरीके से बरी करा होता ऐसे बिल्कुल। और वो भी पुश्ते पे, जो पुश्ता होता ना वहाँ पे कोने में रख के वहाँ पे पन्नियों में जला दिया। वो बेचारे इतनी बुरी हालत में हो गया, देख के दिमाग खराब हो। ये भी कर्म है। ओए हाय भगवान, कैसे कैसे कर्म, सांप भी तुम लोग नहीं छोड़ोगे। वैसे बनते इतने पाठ पूजा वाले। पहले जमाने में कहा जाता था अगर गलती से भी सांप मर जाता है ना, गलती से भी आपसे सांप मर जाता है तो आपको जो है ना सोने के सांप दान देने पड़ते हैं। है ना, हमारी दादी बताया करती थी गलती से भी। पापा ने बताते हैं। हाँ। और आज के जमाने में ये है, अगर आपको सांप दिखे उसको मार दो और मार के उसको कहीं भी चौराहे पे रखकर और पन्निया डाल के जला दो। ये काम इसलिए करा गया या किसी ने ये को गंदा को जो जादू टोने टोटके होते वो करा है, क्योंकि अगर कहीं आप मार भी दोगे तो आप उसको कहीं पे कोने में फेंक दोगे, इतने अच्छे नहीं आप उसे मार के फिर उसको जलाओगे। और अगर आप जलाओगे भी तो किसी ऐसी जगह जलाओगे जहाँ पे किसी को दिखे ना, बिल्कुल चौराहे पे नहीं जलाओगे। मतलब कि इधर पुश्ते से हम ऊपर जाए और इधर से पुश्ता आए, जैसे चौराहे बनता ना वहां पर। मतलब किसी ने अगर आपको इस तरह के गंदे गंदी चीजों के लिए बोला भी, इस तरह के टोटके के लिए कि आप सांप मार दो और उसको जला दो चौराहे पे और आपने कस दिया, डर नहीं लगा भगवान से? हे भगवान इनको तो बख्श दो। चलो बंद करती।